So hello everyone, good morning and welcome back on my channel Twinkle Family Channel. Okay, so good morning हो चुके आप सोचोगे कि कितने बज रहे हैं तो मैं बता दूँ सुबह के 7 बज रहे हैं और सुबह के 7 बजे मैं इतना सारा मेकअप करके बैठी हूँ. कुछ भी मेकअप नहीं है, सिर्फ लिपस्टिक और काजल है मेरा, ठीक है. और बस नहा ली, नीचे काम वाम करके आई हूँ पूरा. आज है सैटरडे, जैसे कि आपको पता है कि सैटरडे को मैं जल्दी उठती हूँ, तो आज सैटरडे है. और सुबह छत पे जैसे देख सकते हैं, मेरी छत पे धूप नहीं है इधर, पर धूप है बहुत तेज. धूप इतनी तेज़ है कि अगर ये यहाँ छत पे होती तो मैं यहाँ 2 मिनट भी ना रह पाती. इतनी भयंकर धूप पड़ रही है. और 2 दिन से, यानी कि परसों से इतनी तेज़ गर्मी थी, परसों अधरसों से हम कल की थी 24 तारीख से इतनी गर्मी कि कल रात को ये कंडीशन हो गई कि पंखा फुल स्पीड पे है बट पता ही नहीं चल रहा. पहले होता था कि सर्दियां जाती थी, मार्च तक पंखे बहुत हल्के चलाए जाते थे, कल फुल स्पीड पे पंखा चल रहा है. और गर्मी कि मच्छर भी लग रहे हैं और है ना, प्लस है ना, मतलब बेचैनी हो रही है. फिर हार्डली हमें लास्ट मोमेंट में जाके क्या करना पड़ा, एसी चलाना पड़ा. 1 घंटा रूम ठंडा हुआ तब जाके हम लोग को नींद आई. इतनी हालत ख़राब हो गई कल रात को. एंड प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि कहाँ कहाँ कैसी कैसी सर्दी और गर्मी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ तो बहुत भयंकर, मतलब 2 दिन में अचानक से इतनी भयंकर हो गई कि लिटरली पता नहीं चल रहा. जबकि 23 तारीख को या 24 तारीख को, ऐसा कुछ मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं, मॉर्निंग में इतना कोहरा था यहाँ पे, जो होता है फॉग, वो इतना सारा था. और अब देख लो इतना सब. तो मैं सच बताऊँ तो रात को इतनी हालत, इतनी कंडीशन ख़राब कि बर्दाश्त नहीं था. और सैटरडे को तो मुझे जल्दी उठना होता है, सैटरडे संडे, तो मैं अभी 5:30 बजे उठी, सारा काम वाम कर लिया. मैंने कहा टाइम है तो छत पर चले जाते हैं, थोड़ी देर हो जाती है टहलना, रहूँगी धूप आया फिर चले जाऊँगी फटाक से नीचे. सब सब्जी वगैरह कट करके आई हूँ, नहा ली, झाड़ू पोछा सब हो गया, फिर भी नींद आ रही है मुझे बहुत है, आँखें भारी हो रही है बहुत बड़ी. सो बस बैठी हूँ, मैं थक गई मैं चल के. मैंने कहा वीडियो शूट कर लेते हैं, थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लेते हैं. और काफ़ी सारे लोगों की शिकायत है कि मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, कम कर दिए ये, तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसकी वजह से नहीं हो पाती डेली ब्लॉगिंग, क्योंकि कुछ वीडियोस होते हैं वो भी करने होते हैं, सारा कुछ ही करना होता है, तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं. तो इसी वजह से होता है. एंड इसके अलावा ऐसा और कुछ भी नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग छोड़ रही हूँ, ये कतई नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है. मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग करूँगी और कर रही हूँ. एंड बस वही है कि मैं गैप दे दे रही हूँ, बिकॉज एक रीज़न तो सबसे बड़ा कि व्यूज़ की वजह से मैं गैप दे देती हूँ. एंड जब देखिए, जैसे मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, जब देखने में लोग इंटरेस्ट देते हैं ना कि हाँ वो देख रहे हैं, और हमें भी खुशी मिलती है कि हमें लोग देख रहे हैं, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, करते हैं मेरे कुछ लोग, बट उन लोगों के लिए मैं एक दिन छोड़ के ही कर पा रही हूँ. लेकिन जैसे जब काम, जैसे अब ऑफिस में अगर आप काम मेहनत कर रहे हो, मेहनत रंग ला रही है, तो काम करने में और मज़ा दुगना हो जाता है. और आप मेहनत करते जा रहे हो और मेहनत बिल्कुल रंग की जगह बेरंग होते जा रहे हैं ना, तो एक टूटने की उम्मीद जैसी जगने लगती है. बट फिर भी मैं कर रही हूँ, कोशिश अपनी पूरी कर रही हूँ कि मैं डेली ब्लॉगिंग लाऊँ आप लोगों के लिए कंटिन्यू, और अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दूँ. सो डोंट वरी एंड थैंक यू सो मच जो लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे मेरा ब्लॉगिंग और इन सब का वेट करते हैं. थैंक यू सो मच. चलिए हम नीचे चलेंगे, फिर बात करते हैं. तो चलिए आज फाइनली मैं दिखा देती हूँ मैं क्या क्या शॉपिंग की हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने आपको दिखाया नहीं था, मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियोज़ में, तो चलिए दिखा देती हूँ. तो फर्स्ट तो यही है, ये क्रॉप टॉप है, मैं आपको दिखा दूँ. तो ये जैसे होते हैं ना क्रॉप, आप लोग समझ के बोलते, ये क्रॉप टी शर्ट्स है, टॉप टी शर्ट जो भी है, ये छोटा छोटा सा. सो ये है एक. एंड और दिखाती हूँ, मतलब मैं अपना भी दिखा, पहले अपना ही अपना दिखा देती हूँ, एक काम करती हूँ. एंड वन मोर टी शर्ट देख सकते हैं आप. एंड इसमें ना कुछ इस तरीके का प्रिंट है, इस तरह, ये सेम कलर जो आपको दिख रहा है सेम कलर है. एंड वन मोर येलो, मतलब येल्लो शेड मैंने इतना ले लिया, मतलब क्या ही मैं बोलूँ, सारे मतलब वो सिमिलर ही दिख रहे हैं. वन मोर टी शर्ट, ये फुल टी शर्ट्स हैं दोनों, ये और ये, ओके. एंड दिस वन टॉप,
एंड यहाँ पे शोल्डर पे इस तरीके से मैं सारे मतलब हार्डली कलर में ना लाइट ही पहनना पसंद करती हूँ। एंड जिस कलर का टॉप है उसी कलर का ये एक और टी शर्ट, ये भी क्रॉप टी शर्ट जैसे मैं पहनी हूँ ना उसी में का, इतना ही ये है, इतना ही ये है, देख सकते हैं बहुत ही प्रिटी है, बहुत ही प्रिटी कलर है, आप देख सकते हैं है ना प्रिटी क्यूट, तेरी क्यूट से सब। मैं बहुत दिन से बोल रही थी आप लोगों को दिखाऊंगी दिखाई नहीं पा रही थी। एंड माय फेवरेट सारे लाइट और येलो में ही है ये मूड दे मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था और कलर, ये वाइट ले लिया ना इसकी जगह भी कोई ऐसे ही लेती, अच्छा ब्लैक था, ब्लैक वाइट में मैंने सोचा वाइट ले लेते हैं ब्लैक नहीं लेते हैं। वन मोर टी, एक्चुअली ये थ्री क्रॉप टॉप जो है याद है मैं एक पहले आपको दिखा चुकी हूँ वो 250 का मिला था और ये तीन मुझे 300 ऐसा कुछ में ही मिले हैं। हाँ ओके टू हैं इनको क्या बोलते हैं और स्पैगेटी, ओके स्पैगेटी ओके एक मिनट मैं इसको सीधा करता हूँ। तो ये लेके आए हैं तो स्पैगेटी और स्पैगेटी या स्पैगेटी जो भी लिखा है इस पर कहाँ गया स्पैगेटी जो भी है एक्सेलेंट। तो ये हैं एंड इसको लाइक मैं किस तरीके से पहनने वाली हूँ कि इस तरीके, एक तो ये गोल गले में मतलब सर्कल में ठीक है इस तरीके से पहन के चाहे तो हम जैसे देखिए मैं वाइट इसके ऊपर भी इसको पहन सकते हैं, जैसे वाइट ये क्रॉप टॉप पहन लिया और ऊपर से मैंने इसको ऐसे पहन लिया, ये ऐसे भी अच्छा लगेगा है ना, इस तरीके से भी मैं इसको पहन सकती हूँ। और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको अंदर पहन के प्लस ऊपर से कोई भी जैकेट या ऐसा कुछ पहन सकते हैं। एंड देन सेम है ब्लू कलर में देख सकते, इनकी फोटोज हैं मैं आपको लगा दूंगी अगर आप देखना चाहें तो। ओके तो मेरा ख़त्म ठीक है, ट्रू बी जैन का चैनल मैं ट्रू बी जैन के कुछ ज़्यादा ही है तो चलो वन बाई वन दिखाते हैं। तो ट्रू बी जैन का फर्स्ट है ये प्रिंटेड पैंट लाइट कलर में प्रिंटेड है, ये देख सकते हैं एक मिनट ये ओके वन पैंट एंड अनदर सेम प्रिंटेड पैंट ओके अनदर प्रिंटेड पैंट। ये कंफर्टेबल भी रहते हैं जैसे कि हम मान लीजिए बच्चे को ज़्यादा वो नहीं रहता इसमें। एंड अनदर प्रिंटेड पैंट और छूबी के चारों कलर अलग है, छूबी के मैं ऐसा नहीं किया मैंने कि सेम लिया हो उसके में सब अलग है। तो ये ना इजी पहनने में भी इजी होता है, जैसे कि मान ली क्लास भी जा रही है वो अपने डांस कर पहन सकती है इसको, या वैसे भी है छूबी का एक जींस, जींस तो सिंपल है बट गर्ली जींस है, पता है ट्रूबी को मैंने फ्रॉक पहनाया था तो बोलती है अरे मम्मा आपने क्यों पहनाया ये लड़कियों का होता नहीं, मैं ये क्यों पहनूंगी लड़कियों का नहीं होता है, मैं वाह बच्चे तो अजीब ही दुनिया है। एंड ट्रूबी का वेट इतना प्रिटी सा ये कुर्ता लगा मुझे, काश हमारे भी ऐसे टॉप मिलते हैं अपने भी ऐसे लाइट कपड़े में मिलते हैं ना एकदम बहुत अच्छे लगते हैं और गर्मी भी नहीं लगता इनको पहनने में कुर्तियों को। तो ट्रूबी का की बहुत ही प्रिटी सा है, इसमें का अगर मेरे को मिल जाता ना मैं परचेज कर लेती अपने लिए, बहुत ही प्यारा है ये, बहुत ही प्यारा कुर्ता छोटू सा कुर्ता, ये रखे होते सारे कपड़े माँ ने येल्लो लिया बेटी येल्लो ना ले तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब इसको मैं किसी के साथ भी पहना सकती हूँ वैसे तो, वाइट के साथ या इनर के साथ ऑल किसी के साथ भी या नॉर्मल भी ऐसे ही पहना सकती हूँ इसको, बट इसके साथ दिया गया है एक अलग किधर गया वो अलग से इनर दिया गया है तो ये इसके साथ में इस पे लिखा है बीच फन एंड
ये है इसका एक जैकेट टाइप ही है, पीछे से खुला हुआ है ये, और अंदर इनर पहना के ऐसे पहना सकते हैं इसको। टॉप है क्या है वो भी है, एक है प्रिंटेड, प्रिंटेड है, अच्छा दिख रहा है, ये देख सकते हैं। एंड इसको क्या बोलते हैं, इस पर तो सॉलिड ट्यूनिंग लिखा हुआ है बट नाम वाम कुछ नहीं लिखा, इसको क्या बोलते हैं वो नहीं पता मुझे क्या बोलते हैं, बट ये इस तरीके का है, एक पूरा ड्रेस है ये, ट्रूबी को तो पूरा ही ड्रेस है, शॉर्ट नीचे से और इस तरीके का ड्रेस। दिस वन, अभी रुको, अभी कहाँ जा रहे हो आप लोग? ट्रूबी का अनदर टॉप, मतलब ट्रूबी का ज़्यादा है, अनदर पिंक टॉप। एक्चुअली उसके सारे कपड़े ना छोटे छोटे देते, इस पर सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ये दिया है, बाकी कहीं पे कुछ भी नहीं है, और छोटे सा पॉकेट, छोटे सा। अरे भैया जल्दी खत्म हो गया, अनदर टॉप, नो दिस इज कुर्ती, कुर्ती वाइट कुर्ती। मैंने क्योंकि उस दिन पहना के रख दिया था ऐसे, अब इनको अच्छे से रखो। ये देख सकते वाइट कलर का कुर्ती, एक्चुअली होने चाहिए ना सारे कलर्स के कपड़े, वरना पहन के लिए बैठो और नहीं होगा अच्छा नहीं लगता। ब्लैक कलर का मैंने ट्रूबी के लिए अभी तक शायद कुछ नहीं लिया, ब्लैक और लेना है मुझे उसके लिए। मैं सोच रही हूँ ब्लैक स्मॉल शर्ट मिल जाए उसके लिए तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही प्रिटी दिखेगी ब्लैक में। नहीं, लास्ट वन, ये गोल्ड। सो कैसी लगी हमारी ये शॉपिंग तो बताना ज़रूर। एंड ये हमने खुद की है, खुद, ठीक है, तो नो स्पॉन्सरशिप, नो कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, ये खुद की है अपने लिए ये शॉपिंग। सो बताना ज़रूर कैसा लगा आप लोगों को। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय। कैसे लगे सारे टॉप, सारे कपड़े, सारे मेरे और ट्रूबी के, तो बताना ज़रूर। ओके, okay?